subscribe my channel and press the bell icon. खान की फिल्म सुल्तान चीन में पहले वीकेंड की इतनी कमाई। हाय फ्रेंड, मैं हूं निभा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है, पर उनकी फिल्म सुल्तान ने चीन में 3 दिनों में सिर्फ 21 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है, जो कि बहुत ही कम है। दोस्तों आपको बता दूं, अली अब्बा जफर के निर्देशक में बनी सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने इस शुक्रवार को 31 अगस्त को चीन में रिलीज हुई थी। फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म के पहले दिन के जबरदस्त कलेक्शन जुटा पाने की उम्मीद जताई थी, लेकिन चाइना के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का पहले ही दिन बहुत ही बुरा हाल हो गया। इस फिल्म ने पहले 3 दिनों में सिर्फ 3.02 मिलियन डॉलर यानी 21 करोड़ 37 लाख रुपए का कलेक्शन किया। तो दोस्तों सलमान खान का ये फिल्म बेहद खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि सुल्तान ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से अधिक कलेक्शन किया था। चीन में सुल्तान को 1100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। सुल्तान फिल्म ओलंपिक मेडल जीतने की जंग पर आधारित है। दोस्तों सलमान खान की फिल्म सुल्तान चीन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख कर दे सकते हैं। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल के साथ बने रहें।